39 साल बाद ब्लू स्टार ऑपरेशन का जख्म एक बार फिर सामने आया है। कुलदीप सिंह बराड़ जो कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के इंचार्ज सीगे, उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी नूं बयान दिता है कि इंदिरा गांधी ने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का कद वधाया सीगा। यह कहना सीगा कुलदीप सिंह बराड़ का जो कि ब्लू स्टार ऑपरेशन के इंचार्ज सीगे। और दूजे पासे उन्होंने यह भी कहा है कि कुलदीप सिंह बराड़ ने कि इंदिरा गांधी ने कद वध्या देख संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले ते कार्रवाई की है। यह कहना सी कुलदीप सिंह बराड़ का। और दूजे पासे विरसा सिंह वलटोहा ने की कहा वह भी तुसी जरूर सुनो। उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि इंदिरा गांधी ने कद नहीं वधाया, उन्होंने कद आप ही बहुत उच्चा सीगा। ब्लू स्टार के इंचार्ज कुलदीप सिंह बराड़ ने साफ तौर पर कहा कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले का कद इंदिरा गांधी ने वधाया, कद वधदा देख उन्हें कार्रवाई कराई है। मेरे नाल विरसा सिंह वटोहा ने उन्होंने गल कर दिया। वटोहा साहब की कहना चाहोगे जो कुलदीप सिंह बराड़ ने कहा? देखो मैं बेनती करा जी अपने आप च ध्यान कंट्राडिक्ट है जी। एक बंदे कहते हैं कि संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले का कद जिहड़ा इंदिरा गांधी ने वधाया तो उस इंदिरा गांधी ने उन्होंने खत्म करने के हुक्म देते जी। हम एक बंदे कद वधाने की गल करते हैं, दूजे बंदे खत्म करने की गल करते हैं, ये गल किसी के गले उतरू जी? जे जनरल बराड़ नूं भुलेखा ना हुंदा जी तो कदे भी श्री दरबार साहब वाल नूं मूंह ना करदा। जे भुलेखा सी कि मैं तो ऐ जाना है ऐ बाबे जरनैल सिंह जाके चुटकी मार के फड़ के तो इंदिरा गांधी के सामने पेश कर देना है, जिस हंकार दे नाल ते जिहड़ा जनरल बराड़ है उन्हें ये कार्रवाई नूं अंजाम देने की कोशिश की, कार्रवाई करने तो पहला जिस तरह के बयान दिता रहा वो सारिया मीटिंगा के हवाले जेड़े आ सारे के सामने आ चुके हैं। जो तो अफसर नूं निर्देश दे रहा है जी, जे किसी ऑफिसर ने कहा कि तुम इस गल सौख्या ना समझो कि बाबे जरनैल सिंह होरी तुहाडे सामने आत्म समर्पण कर देंगे जां किसी तरह का वह डर जाएंगे, ये मता कोई भुलेखा रखा जाए। पर जनरल बराड़ के शब्द से किसी ऑफिसर के हैं बकायदा मीडिया के वो कहें कि जो तोपा गरजदियां ने फिर बड़िया बड़े दत्तां कंबदियां ने, फिर ये तोपा भी चलिया, ये टैंक भी चले, तो पता नहीं जिन 2 इंच मोटर से पता नहीं कि जो कुछ भी दुनिया भर का असला उत्थे इस्तेमाल किया। सब तो वध नुकसान जिन्या जंगा हुई ने उन्होंने तो सब तो वध नुकसान करवा के जोड़ा जनरल बराड़ मूँह दिखाई पी और जनरल बराड़ ना खमियाजा भुगतना पाया, किसी ने यदि कदर नहीं की, सिखा ने तो इन छेक ही दिता और आपके धर्म चो आप रिश्तेदार चो छेकिया गया और देश के जेडे जिन्हें हाकमां के कहे के उत्ते इन्हें कदम चुकया उन्होंने यदि दुखी मुल नहीं पाया जी। ਇਹਦਾ ਦੁਖੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਧਾਇਆ ਕਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਹਿ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਮਲਗੋਬਾ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇ
और चाहे वह किसी ने भी लिखिया क्योंकि जेडे अंदर जेडे संतां दे साथी सीगे उन्हां च तो किसी ने लिखी नहीं की नहीं जिन्हां ने जेडे 19 जुलाई 1982 तो लैके 6 जून 84 तक उन्होंने नाल रहे ने जिन्हां नूं पता सी कि उन्होंने सोच की आ उत्थे किवें चलदा सी की चलदा सी और इत्थों तक है कि एक बन्ने ते सरकार जिहड़ी केंद्र सरकार है संत जरनैल सिंह होरां दे नाल गलबात करदी है आपदे एलटी भेजदी है मंगा मंगण की गल करती है और मोर्चे की फतेह जागी की गल करते हैं क्योंकि साढ़े नाल बाबे जरनैल सोहरी आम करके गल कर लेंगे सी तो फेडरेशन वाले मोर्चा हुण फतेह हो जाना दसो आपां पंजाब दे अंदर फिर मार्च कढ़ने आ तुसीं ओह जलूस कहिंदे हुंदे सी कि जलूस कढ़ने आ जित दे ते तुसीं बस दे अंदर ब्याह करोगे कि छत ते ब्याह करोगे प्रचार क्योंकि जो प्रचार सिखा का किया गया कि सिख जो ने इंदिरा गांधी ने किया इंदिरा गांधी ने किया कांग्रेस सरकार ने किया जो सिख ने ये देश तो वक् होना चाहते ने वक्वादी ने अतवादी ने हाँ जी अजिही उन्होंने परसैप्शन बना दी गई अजिहा प्रचार कर दिता गया सिखा का हाँ जी ओा जो खमियाजा आर जो इस रूप च भुगतना पाया जनरल बराड़ जो ने बिल्कुल झूठ बोलते हैं बिल्कुल गलत गल करते हैं कि इंदिरा गांधी ने कद वधाया इंदिरा गांधी तो हमेशा ही जोड़ा आ उन्हें सिखा दब के रखने की कोशिश की है दबा के रखने की कोशिश की और सिख विरोधी शक्तियों उन्हें हमेशा उभारिया जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद बलटावर साहब कैमरामैन आशीष दे नाल अनिल ठाकुर D5 चैनल पंजाबी होएगी किसानां दी गल नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद के हर मसले पर करांगे चर्चा देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन पे क्लिक करो होएगी किसानां दी गल नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लेके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 7:30 बजे D5 चैनल पंजाबी ते की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो